हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल विशीज़ एकेडमी। इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, प्रोनाउंस होते क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सो व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, मी, वी, एट्सेट्रा। सो दे आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, interrogative pronouns and relative pronouns. Now first we will discuss about personal pronouns. So what are personal pronouns? Personal pronouns जो होते हैं हमारे वो 3 persons में divided होते हैं: first person, second person and third person. Now you must be thinking, what are these first person, second person, third person? तो first person क्या होता है? First person refers to the speaker और speakers, मतलब जो अपनी बात को कह रहा होता है, वक्ता कहते हैं, जैसे जो अपनी बात को बोल रहा होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल आई, मी, वी, एट्सेट्रा। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन और पीपल स्पोकन टू, जिससे आप अपनी बात कह रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन। इसके एग्जांपल होते हैं यू। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, जिस एक पर्सन या बहुत सारे लोगों के बारे में या फिर एक थिंग या थिंग्स के बारे में बात की जा रही होती है, उसे हम थर्ड पर्सन में रिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे। नाउ प्रोनाउंस में द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन की बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट होगा आई एंड उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा मी। सेम सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पर्सन में जो हमारा एग्जाम्पल होता है यू होता है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया यू और यू के साथ हमारा क्या ऑब्जेक्ट यूज होता है? यू। थर्ड पर्सन में अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे वो होते हैं ही, शी और इट। इसके साथ हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम किस तरह से यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट जो होता है हमारा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो हम यूज करते हैं हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में या आप कह सकते हैं कि वर्ब से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई सो सुनील बट ही डिडंट सी मी। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट वी यूज्ड आई in the starting of the sentence. Now let us take some more examples of personal pronouns. First is, I don't know that girl, do you know her? Now why we use her in this sentence? Because girl के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने क्या लगाया? Her. Second sentence, Gopal is ill, so he has not gone to school. यहाँ पे ही लगाया है वो हमने किसके लिए यूज़ किया है? गोपाल के लिए। गोपाल क्या है? मेल और बॉय। जब भी हम बॉय के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ही। ही क्या है? सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पर्सनल प्रोनाउन। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, टेक केयर।